हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग जो है सैमसंग गैलेक्सी M31s का इंडिया लॉन्च का वेट करे। वैसे 30 जुलाई को तो यहाँ पर ये इंडिया में लॉन्च होने वाला है। सारे स्पेक्स वगैरह यहाँ पर निकल के आ चुके हैं, तो स्पेक्स तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन इसमें क्या कुछ आपको बढ़िया फीचर यहाँ पर देखने को मिलने वाले, तीन कमियां भी देखने को मिलने वाली है, जो कि मैं बिल्कुल दिल से ऑनेस्टी के साथ में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो सी बात पे कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूँ 2000 लाइक्स का, आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दो यार, कल के दिन हमने Redmi 9 प्राइम के ऊपर वीडियो डाले थे, क्योंकि 4 अगस्त को यहाँ पर इंडिया में लॉन्च होने वाला है। क्या स्पेक्स मिलेंगे, क्या प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होगा, मतलब 10,000 की रेंज में लॉन्च होगा, काफी बढ़िया स्मार्टफोन रहने वाला है। तो आपको फीचर्स वगैरह के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए तो डेफिनेटली वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अब M31s की अगर हम बात करें तो अमेजोन एक्सक्लूसिव है, 30 जुलाई को यहाँ पर इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और बहुत सारे आपने यहाँ पर टीजर और वीडियो वगैरह YouTube पे देखे होंगे, 20,000 रुपए में बेस्ट स्मार्टफोन रहने वाला है, ये है वो है। हाँ, मानते हैं बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, लेकिन कुछ कमियां भी आपको इसमें देखने को मिलने वाली है। चलिए सबसे पहले तो यार अच्छे फीचर्स की अगर हम बात करें तो अगेन जैसे कि यहां पर आपको बताया जा रहा है 6.5 इंच का एक पंच होल वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। एक AMOLED डिस्प्ले रहने वाला है और गोरिल ग्लास 3 की प्रोडक्शन बताया जा रहा है देखने को मिलेगी। तो डिस्प्ले यहां पर ये बार जो M सीरीज में काफी बढ़िया रहने वाला है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी आपको काफी जबरदस्त मिलेगा और सैमसंग का AMOLED पैनल तो आप सभी को पता है काफी बढ़िया क्वालिटी के साथ में आता है। हाँ, 60 हर्ट्ज पर रहेगा, 90 हर्ट्ज वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी चीज अगर हम बात करें अच्छे फीचर्स की तो यहाँ पर ये जो वेरिएंट जितने भी रहने वाले हैं 6GB से यहाँ पर ये स्टार्ट होगा। UFS 2.1 स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगी, LPDDR4X रैम टाइप भी मिलेगा, ट्रिपल कार्ड स्लॉट भी आपको देखने को मिलने वाला है। तीसरी अच्छी चीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका जो कैमरा रहने वाला है 64 मेगापिक्सल का आपको क्वाड कैमरे का सेटअप मिलेगा। जो प्राइमरी सेंसर है वो सैमसंग का GW1 रहने वाला है 64 मेगापिक्सल के साथ में। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस रहेगा, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। तो कैमरास अच्छा रहने वाला है, थोड़ा बहुत इंप्रूव करेंगे एज कम्पेयर टू M31 से। और सिंगल टेक शॉट वगैरह आपको यहाँ पर फीचर मिल जाएगा, मतलब 3-4 में साथ में क्लिक करेगा जो बेस्ट है आप उसको चूज करके जो अपने फोन में रख सकते हैं। वैसा गेमिंग जैसा फीचर है लेकिन सैमसंग हाईलाइट कर रहा है तो मैं सोचा आप लोगों को बता देता हूं। सेल्फी कैमरा अगेन 32 मेगापिक्सल का मिलने वाला है, जो कि अगेन अच्छा परफॉर्म करके जाएगा जैसे कि हमने M31 में देखे थे। चौथी चीज जो कि आपको बढ़िया फीचर देखने को मिलेगा वो है यहाँ पर इसका One UI 2। काफी अच्छा यहाँ पर जो है टच यूज वगैरह के कंपैरिजन में सैमसंग ने कुछ सालों में जो है काफी बढ़िया काम करा है। One UI 2 में फीचर तो आपको काफी भर भर के देखने को मिलता है और UI भी काफी स्मूथ चलता है। तो ये भी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर ये फोन में आपको काफी बढ़िया देखने को मिलने वाला है। पांचवी प्रोस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसकी बैटरी लाइफ को लेके यहाँ पर आपको मॉन्स्टर 6000 एमएच की बड़ी सी बैटरी देखने को मिलेगी। टाइप सी पोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा, एज वेल एज यहाँ पर आपको ये बार 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। और बॉक्स में आपको फास्ट चार्जिंग यहाँ पर जो है चार्जर देखने को मिल जाएगा, एज वेल एज रिवर्स चार्जिंग का भी यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से जो है काफी बढ़िया बात है। तो ये कुछ चीजें थी जो कि सैमसंग के फोन में आपको काफी अच्छी देखने को मिल रही है। अब क्या ये फोन परफेक्ट है? देखो, परफेक्ट कोई फोन नहीं होता है, चाहे आप 1000 का फोन लो या 1 लाख का फोन हो, परफेक्ट कोई भी स्मार्टफोन नहीं रहता है। तो इसमें भी आपको जो है तीन मेजर कमियां आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहली कमी और सबसे बड़ी कमी जो आपको देखने को मिलेगी वो इसके प्रोसेसर को लेके। एक्सिनोस का 9611 का चिपसेट अगेन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सैमसंग ने ऑलरेडी जो है बहुत सारे स्मार्टफोन्स पे लॉन्च कर चुका है मिड रेंज में, चाहे वो M21 की बात करो या आपको M31 की बात करो या M30s की बात करो, सेम टू सेम प्रोसेसर है। मैं ये नहीं बोल रहा प्रोसेसर बेकार है, चलो 12-13-14,000 रुपए में लॉन्च होता है जब ठीक है, लेकिन ये फोन की जो प्राइस पॉइंट बताई जा रही है जो बेस वेरिएंट है 18-19,000 रुपए का देखने को मिलेगा, वो हिसाब से जा रही, मतलब अगर आप 730G से कंपेयर करते हो, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर मैंने ये देखा हो कि वो कंपेयर करते हैं 730G के साथ में और बोलते हैं यार बहुत 19-20 का फर्क आपको देखने को मिलेगा। भाई बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 9611 को कंपेयर करते हो तो स्नैपड्रैगन 710 712 के साथ में कर सकते हो, उससे भी मैं बोलूंगा GPU में थोड़ा हल्का कमी पावर वाला है, तो आप 730G से यार कंपेयर नहीं कर सकते हो। 730G 720G जो है
हमें 14,000 15,000 16,000 की रेंज में मिल रहा है, तो 18,000 19,000 रुपए में 9611 मेरे हिसाब से जो है काफी डाउनग्रेड है। परफॉर्मेंस डे टू डे टास्क काफी अच्छी तरीके से हो जाएगा, लेकिन अगर आप एक गेमर हो और आप हाई सेटिंग्स में गेम खेलना पसंद करते हो या एडिटिंग वगैरह भी अपने स्मार्टफोन पे पसंद करते हो करना, तो मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा कि आप एक्सिनोस को छोड़ के जो है आप जो है स्नैपड्रैगन को प्रीफर कर सकते हो। तो प्रोसेसर यहां पर ये बोल सकते हो ये प्राइस पॉइंट के हिसाब से जो कॉम्पिटिटर दे रहा है उस हिसाब से यहां पर ये थोड़ा डाउनग्रेड ही आप इसे बोल सकते हो। दूसरी कमी की बात करें जो कि पर्सनली एम सीरीज में मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, यार 18,000 19,000 रुपए का यहाँ पर ये फोन रहने वाला है। अगेन जो है थोड़ा डिजाइन बैक पैनल में हल्का सी चेंज कर दिया, डुअल टोन वाले ये बार फिनिश मिलेगा, लेकिन अगेन जो है ग्लास्टिक बोल के जो है प्लास्टिक हमें दे दिया जाएगा। तो भाई ग्लास बॉडी क्यों नहीं इस्तेमाल करते यार, सैमसंग की आदत है आपका 30,000 40,000 वाले फोन में भी प्लास्टिक देते हैं, तो 18,000 19,000 में तो प्लास्टिक का मतलब कहना ही क्या, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन कॉम्पिटिटर अगर आप देखोगे पोको M2 Pro देख लो, रियलमी के स्मार्टफोन्स देख लो, काफी ज्यादा यहाँ पर जो है ग्लास वगैरह का इस्तेमाल करा जा रहा है। तो मैं भी यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा था कि सैमसंग भी जो है मिड रेंज में ग्लास बॉडी दे दे, तो लेकिन सैमसंग है नहीं देगा भाई, अगर दे देंगे तो फ्लैगशिप कौन लेगा, सोचने वाली बात है। तीसरी कमी की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था ये फोन में आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, चाहे आप Realme का स्मार्टफोन उठा के देख लो या और भी बहुत सारे स्मार्टफोन आपको मार्केट में मिलते हैं जो कि AMOLED डिस्प्ले देते हैं, तो भाई इन डिस्प्ले वहां पर दे देते हैं, चाहे Vivo Z1X देख लो, मतलब 14,000 15,000 16,000 रुपए में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। पहले मुझे लगा यार बैक साइड में जो जिसका रेंडर आया था, मैंने आपको बोला था कि देखो बैक साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिख रहा है, तो ये बार जो है सैमसंग ने भाई कमाल करा, इन डिस्प्ले यहां पर हमें प्रोवाइड कराएगा। लेकिन एक अभी नई इमेज निकल के आई है और आप साइड से फोटो देख सकते हो, सैमसंग है भाई ये आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दे रहे हैं। भाई अगर आप AMOLED लगा रहे हो तो इन डिस्प्ले देने में क्या दिक्कत है, भले ही 1,000 जो भी फोन का प्राइस ले रहे हो 500,000 रुपया बढ़ा के ले लो, लेकिन इन डिस्प्ले की बात ही अलग रहती है। जो लोग यूज टू है भाई साइड में यहां पर उनको मजा नहीं आएगा, AMOLED डिस्प्ले दे रहे हो तो यार इन डिस्प्ले तो रहना ही चाहिए था। लेकिन ये फोन में आपको जो है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब अगेन ये फोन का कौन रहेगा, क्योंकि IPS रहता समझ में आता, लेकिन अगर AMOLED है तो इन डिस्प्ले यहां पर देना ही चाहिए था। तो ये कुछ यहां पर आपको तीन प्रॉब्लम ये स्मार्टफोन के साथ में देखने को मिलेगी। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखते हो Samsung की ब्रांड वैल्यू और Samsung as a non-Chinese स्मार्टफोन जो ब्रांड है बहुत सारे लोग यहां पर प्रेफर करते हैं, तो मैं बोलूंगा ये नहीं है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्मार्टफोन रहेगा, 18,000 रुपए की रेंज में ठीक ठाक है, मतलब जो लोगों को मल्टीमीडिया कंजम्पशन ज्यादा है तो वो लोग यहां पर ये स्मार्टफोन का वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गेमर हो और मतलब आपको जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और मतलब प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी वगैरह चाहिए, तो वो चीज से आपको यहां पर जो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो गाइस ये थी मेरी ऑनेस्ट वीडियो प्रोज एंड कॉन्स के साथ में Samsung Galaxy M31s को लेके। आई होप कि आपके जो सारे कंफ्यूजन है वो दूर हो चुके रहेंगे। पर क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये फोन का सबसे बेस्ट प्रोज आपको कौन सा लगा, कौन से आपको क्या दिक्कत है या नहीं है, और 18,000 रुपए में या 19,000 रुपए में ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होता है तो क्या आप ये फोन को लेना पसंद करोगे नहीं करोगे, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो होप कि मैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।